सरकार देश के गरीबों के लिए आए दिन कोई ना कोई योजनाएं निकालती ही रहती है। वो अलग बात है कि इन योजनाओं का लाभ गरीबों तक बाद में पहुंचता है, लेकिन उससे पहले इन योजनाओं को गांव-गांव में पहुंचाने की जिम्मेदारी लेने वाले अधिकारी इनका भरपूर लाभ उठाते हैं। इन्हीं अधिकारियों के साथ ही अब पुलिस भी अपनी मनमानी पर उतर आई है। तभी तो किसी तरह से अपना गुजारा करने वाले गरीबों को मारपीट कर उनका जीने का एकमात्र सहारा भी छीन रही है। हम वहाँ ठेला लगाए थे, ठेला लगाने रोज लगत रहा। उसके बाद एक दिन पुलिस पहुंची, वो इधर उधर किया, काल शाम का आए, फिर उन्होंने एक लात मरबो भी और मारिन पिटिन, उनके बाद सिलेंडर और सब लाद लूद ले गए। कितने सिलेंडर? कितने? तीन थे, तीन बैटरी और तीन सिलेंडर, एक भी छोटे वाले एक बड़ा वाला। कहाँ की पुलिस थी? कोठी थाना। जी हाँ, बेबसी और प्रशासन की मनमानी करता ये मामला बाराबंकी के कोठी थाना से चंद कदमों की दूरी पर बसे नौबस्ता का है, जिसे जहां एक तरफ बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जिले के चैनपुरवा जैसे गांव को गोद लेकर रोजगार देने का काम कर रहे हैं, तो वहीं कोठी पुलिस लोगों का रोजगार उजाड़ने में अपना अहम योगदान दे रही है। दरअसल गांव के बाहर मौजूद अपनी जमीन पर कुछ दलित समुदाय के लोग पान मसाला, चाय और पकौड़ी की दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन इसी बीच पुलिस पावर के नशे में चूर कोठी थाना प्रभारी रितेश पांडे अन्य पुलिस वालों के साथ वहां पहुंचकर सभी के साथ मारपीट करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी के साथ गाली गलौज करते हुए तीन दुकानों में जमकर तोड़फोड़ भी की और दुकान में रखे गैस सिलेंडर और बैटरी को लेकर वहां से चलते बने। हम वहां ठेला लगाए थे, ठेला लगाने रोज लगत रहा। उसके बाद एक दिन पुलिस पहुंची, वो इधर उधर किया, काल शाम का आए, फिर उन्होंने एक लात मरबो भी और मारिन पिटिन, उनके बाद सिलेंडर और सब लाद लूद ले गए। कितने सिलेंडर? कितने? तीन थे, तीन बैटरी और तीन सिलेंडर, एक भी छोटे वाले एक बड़ा वाला। कहाँ की पुलिस थी? कोठी थाना। अब वहाँ हमका तो पता नहीं, लेकिन फोर्स रहा पूरा। अच्छा, हाँ, इसके पहले भी एक दो बार आए थे, मारे पीटे भगा दिए। किसको मारे थे? शिशु कुमार का मारिन थे, झापा मार दिन, कई दिन तक कुका सुना नहीं पड़ा। कौन मारा था? पुलिस वाले मारिन। क्या नाम था उनका? पांडे कहा रहा सर, हमका पता नहीं, नाम हम नहीं जानते। सुनील कहा था, वही एक झप्पड़ मारे रहा था। ग्रामीणों ने मीडिया से मुखातिब होते बताया कि ये पहली दफा नहीं है कि जब पुलिस ने उन लोगों के साथ बदसलूकी की है, बल्कि इससे पहले भी कई बार वो वहां पर आके ऐसे ही मारपीट कर अपनी मनमानी करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सभी ने ये भी बताया कि वो पहले परिवार का भरण पोषण करने के लिए शराब बनाया करते थे, लेकिन फिर उन्होंने ये सब कुछ छोड़कर नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करनी चाहे, लेकिन इन पुलिस वालों की मनमानी के चलते सभी इस सोच में पड़ गए हैं कि शायद उन्हें शराब का निर्माण करने वाला काम दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या प्रशासन इन दबंग पुलिस वालों पर कोई एक्शन लेती है या फिर यह सिलसिला ऐसे ही बरकरार रहेगा। बाराबंकी से न्यूज टाइम नेशन के लिए अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।